नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मुहाना मंडी में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्याज के ताज़ा अपडेट सुरेश भाई श्री चार भुजा आलू भंडार से। क्या बाजार खुला है, कितनी आवक आमदनी देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और किसान भाई, वो कुछ लोग कहते हैं कि कम वीडियो बनाया करो, तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है ज़्यादा कि जो एक्चुअली में कई बार क्या होता है, जो व्यापारी है आढ़ती होती है वो क्लियर उसके हिसाब से भाव बताते हैं। जहाँ अगर उसका आज माल अच्छा बिक गया तो वो सोचता है कि भाई माल ग्राहकी अच्छी है और माल भी अच्छा बिक रहा है, तो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि सभी का एक एवरेज भाव पता लग जाए। तो उसके लिए तो वीडियो तो इतने ही बनाने पड़ेंगे सर मुझे। कैसे हो सर? अच्छे हैं बाबूजी। तो सर आज क्या बाजार खुला है प्याज में? बाजार तो यही है बाबूजी, ऊपर में बिका है 25-26 रुपए, हल्के माल बिके हैं 18-20 रुपए। अच्छा जी, तो कुछ तेजी कह सकते हैं या मंदी कह सकते हैं? ज्यादा तेजी भी नहीं है तो मंदी भी नहीं है, मतलब वही एवरेज भाव चल रहा है। एवरेज भाव वही है। अच्छा, ये वाला बिका 25 रुपए। ये वाला 25 रुपए बिका है। कहाँ का है सर ये? एमपी है सर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। ये वाला सर? ये वाला भी एमपी है। ये वाला 23 रुपए। 23 रुपए सर। ये वाला सर? ये वाला भी एमपी है। 22 रुपए। 22 रुपए। ये वाला 25 रुपए। ये नासिक का लगता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 25 रुपए है ये वाला। तो सर आज आवक कितनी समझे? आवक सर नासिक ज्यादा है, वैसे नासिक की गाड़ी है, वैसे 20 गाड़ी नासिक की, 20 गाड़ियाँ हैं। क्योंकि आज देखो चारों तरफ गाड़ी गाड़ी नजर आ रही है, कह रहा हूँ 20 गाड़ियाँ है। बिल्कुल, आप बोलते रहा करो सर। 20 गाड़ी नासिक है, 15 गाड़ी एमपी है सर। अच्छा जी, 15 गाड़ी एमपी भी है। हाँ जी, तो एमपी का प्याज थोड़ा कम हो गया क्या? एमपी का थोड़ा कम हो गया है, नासिक ज्यादा आ रहा है सर इस टाइम। तो सर एमपी का प्याज पीछे स्टॉक में कमी है मेरे हिसाब से? तो स्टॉक में भी कमी है, क्या है किसान सोयाबीन काट रहे हैं मुझे इस वजह से। अच्छा जी, हो सकता है सर। एक्चुअली में क्या है रिपोर्ट, तो सर हम भी सही नहीं बता पाते कि सोयाबीन काट रहे हैं या, क्योंकि सर सोयाबीन काटेंगे और उसके साथ साथ प्याज रोक भी नहीं सकते, प्याज धीरे धीरे निकाल भी रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कम भी हो ज़्यादा भी हो, पर यह है कि 25-30% के आसपास स्टॉक है अभी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा जी सर। तो सर प्याज बिक रहा है एवरेज 20-25 रुपए। एवरेज 20-25 रुपए। बिल्कुल, ज़्यादातर माल बिक रहे हैं 20-22 रुपए। अच्छा जी, अच्छा। और ग्राहकी कैसी है अपने जयपुर में? ग्राहकी ठीक है, वैसे ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो ज़्यादा हल्की भी नहीं है, ठीक ठाक है वैसे ग्राहकी। अच्छा जी, तो आज कैसा रहा बाजार? बाजार बढ़िया रहा, वैसे ऊपर में 25-26 रुपए तक बिका। अच्छा जी, अच्छा। और सर नए प्याज की बात करें तो क्या पोजीशन है? नए प्याज वो जो बढ़िया माल 30-31 रुपए, 30-31 रुपए नया प्याज बिक रहा है। हाँ, और नीचे में सर? नीचे में 18-20 रुपए। 18-20 रुपए। आज कितनी गाड़ियां हैं सर नए प्याज? नए की पीछे की साइड में है दो गाड़ियां, दो तीन गाड़ियां तो आती है मंडी में डेली। तो सर क्या बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ संभावना दिख रही है? बाजार सर नवरात्रों में थोड़ा बहुत बढ़ सकता है बस। अच्छा जी, अच्छा, नवरात्रों में बढ़ सकता है, अभी तो कोई बढ़ेगा नहीं 5-7 दिन, तो 5-7 दिन बाद नवरात्रे लगते ही उसे बढ़ सकता है। और जैसे आवक कम होगी तो सर बाजार बढ़ेगा सर 1-2 रुपए? आवक अगर भरपूर, अगर किसान आप कह रहे हो कि सोयाबीन काट रहे हैं, अगर सोयाबीन के बाद वो मंडी में प्याज लेके आते हैं एक्चुअली में हो उनके पास, तो फिर डाउन भी आ सकता है। इतनी ज्यादा आवक बढ़ेगी नहीं वैसे जितने अपन सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे ये एमपी जो महाराष्ट्र की मंडियाँ थी जो बंद थी 10 दिन, तो उस दौरान जैसे राजस्थान और जो एमपी का प्याज ज़्यादातर निकल चुका था जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब महाराष्ट्र का ही बचा है ज़्यादा, महाराष्ट्र का ही बचा है ज़्यादातर माल। तो सर किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे सर? किसान भाई को यही है, धीरे धीरे माल को निकालते रहना चाहिए, रोकने से कोई ज्यादा फायदे वाली बात। हाँ, अब रोकने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि नवंबर अगले महीने से तो लास्ट टाइम राजस्थान का शुरुआत हो ही जाएगा प्याज में। और सर नया जो प्याज है राजस्थान वाला, जो अपना अलवर का कोटा झालावाड़ का, वो क्या पोजीशन रह सकता है? कोटा झालावाड़ का प्याज भी बिकेगा 15-20 रुपए। 15-20 आपका ये अनुमान है? हाँ जी। बाकी सर आगे मार्केट कुछ भी हो सकता है, बाकी आगे कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं? 9928128131 श्री चार भुजा आलू भंडार, दुकान नंबर 836। तो सर कोटा झालावाड़ का माल, तो जो नया प्याज आएगा वो तो अपने पास आता ही है? अपने पास खूब आता है सर। बाकी अलवर वाले किसानों को क्या कहना चाहोगे सर? अलवर वाले किसानों को भी ये कहना चाहता हूँ, जयपुर लाओ, ये बढ़िया पैसे ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। और जो भाव एक्चुअली में रहेगा उसके हिसाब से अच्छा ही रेट मिलेगा। अच्छा ही रेट मिलेगा अलवर से, तो बढ़िया रेट मिलेगा वो जयपुर। चलो जी सर, धन्यवाद सर आपका। ओके सर।